क्या हाल आप लोग का, स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया ब्लॉग। फिलहाल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गोरखपुर से अयोध्या। आपको गोरखपुर से अयोध्या बस जर्नी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं यूपी में हूँ ना, तो यूपी में ज़्यादातर आपको सरकारी बस ही मिलेगा, प्राइवेट बस बहुत कम मिलता है। तो हम आपको सरकारी बस की जर्नी दिखाने वाले हैं। मैंने गोरखपुर से वाराणसी आपको ऑलरेडी लाइक बस जर्नी दिखा दिया है, तो अपन अभी आपको गोरखपुर से अयोध्या दिखाने वाले हैं। टाइम उसके बाद आपको, टाइमिंग वगैरह कुछ रहता नहीं है, यहाँ पर सरकारी बस है उनका अपना ही टाइमिंग रहता है और यहाँ से आपको हमेशा बस मिल जाएगा देख लिए, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं रहेगा। तो आपको दिखा दें, अपन थोड़ा बस बाहर से थोड़ा झलक दिखाते हैं। इंट्रो में आप देख लिए होंगे, लेकिन अभी थोड़ा बाहर से आपको झलक दिखाते हैं। तो यही आपका गोरखपुर का बस अड्डा है, तो पूरा आपको सरकारी बस इधर मिल जाएगा। ये अपनी यही बस जाने वाली है अपने को लेके, एक्चुअली ये लखनऊ जाने वाली है, तो वह अयोध्या होके जाएगी, तो अपने लिए बढ़िया ही है। टिकट प्राइस सब आपको बताएंगे, गोरखपुर से अयोध्या तक कितना लगेगा वो सब देखते हैं आगे थोड़ा, और आपको दिखाते हैं कि आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं ना तो आपको बस कहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं ना, तो रेलवे स्टेशन से सीधा आप आ जाइएगा और सीधा आएंगे तो आपको बस अड्डा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगा एक्सेप्ट आजमगढ़ और वाराणसी के लिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इधर राप्ती नगर बस अड्डा पे, या कि रोडवेज वाला बस अड्डा है, तो यहाँ पर आपको नॉन एसी एसी वगैरह सब मिल जाएगा। तो यही अपना बस का कुछ फ्रंट है, तो उत्तर प्रदेश भारी वाहन करके ऊपर है और ये राजधानी एक्सप्रेस सेवा है और बस कंपनी आके अशोक लेलैंड है। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहने वाला है। यही नंबर है बस का, एक्चुअली बढ़िया है, शेड्स बढ़िया है, लाइक ऑरेंज कलर, फिर उसके बाद ग्रीन मिक्स है और फिर अपना, हाँ बस उतना ही है, वाइट तो है ही नहीं। चलिए चलते हैं बस के अंदर और आपको बस के अंदर दिखाते हैं। तो ये अपन अभी एंटर करते हैं अपने सरकारी बस के अंदर। तो ये आप देखिए ऐसा ही कुछ दिखता है अपना बस अंदर से। नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं लास्ट में कितना है, लास्ट वालों की मौज है भाई, फुल स्पेस है, देखिए फुल्ली स्पेशियस है पीछे। तो अगर कोई लास्ट में बैठ रहा है, लेकिन इधर वाले बहुत फास्ट चलाते हैं वो बोलना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आके 36 है, तो 36 सीट्स आपको मिलेगा। और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3:2 का कॉन्फ़िगरेशन है, इधर आप अपना लगेज रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आग सामने रख दिया है। फिर इधर भी आप अगर कोई बड़ा ट्रॉली है इधर रख सकते हैं। अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ आगे का, लाइक ड्राइवर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सब कैसा है। मैं एक्चुअली सोचा एसी बस में जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल एसी बस अवेलेबल नहीं है तुरंत निकलने के लिए, तो मैं सोचा नॉन एसी में ही पकड़ के निकलते हैं और नॉन एसी का भी एक बार मज़ा लेते हैं। तो देखते हैं नॉन एसी का कैसा रहता है सफ़र। सामने आप ड्राइवर सीट देख सकते हैं, यही ड्राइवर सीट है और आपकी गियर यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है भाई। उधर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उधर आपको एक्सेलरेशन वाला मीटर मिल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत डिजिटल मीटर है, इससे अशोक लेलैंड का सिंबल है स्टेयरिंग पे, ये आपका स्विचेस है और टाइप ए चार्जर्स है। उधर देखते हैं कैसा रहता है सफ़र अयोध्या तक का। वो देखिए वहाँ पर पिंक सेवा करके बस आई है, तो गोरखपुर से लखनऊ तक सर्व करता है, वो कम्प्लीट एसी है। इससे पहले मैंने पवन हंस में जर्नी किया था लखनऊ टू गोरखपुर, वो भी कम्प्लीट एसी था और वो सब थोड़ा फास्ट रहता है ये रोडवेज के हिसाब से, रोडवेज आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं आके अपनी सीट के पास बैठ चुका हूँ, सीट नंबर अपना है 50। मैंने गलती कर दी एक्चुअली, मैंने बोला कि 35 की 36 है ना, एक्चुअली इधर क्या है ना, रो वाइज सीटिंग मैप नहीं कर रहे हैं ये, एक तरफ से मैप करते जा रहे हैं फिर एंड में जाके फिर उधर से एक तरफ मैप करते आ रहे हैं। मेरे को लगा जैसे बैंगलोर की तरफ सब रो वाइज रहता है ना कि 1 2 3 4, फिर उसके बाद सेकेंड रो 5 6 7 8, इधर वैसा नहीं है, इधर एक कॉलम की तरफ फुल लेके जा रहे हैं फिर दूसरे कॉलम की तरफ घुमा के लेके आ रहे हैं लास्ट से। तो इसमें टोटली 52 सीट्स हैं। अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा था, अभी आप उधर देख रहे हैं ना 1 2 3, फिर ऐसे ही कॉलम वाइज चला गया है, फिर लास्ट में घूम के आके फिर वहाँ पर 49 50 और नेक्स्ट 51 52, ऐसे ही चला गया है। तो ये हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं और हम यहाँ से निकलने के लिए फ़िलहाल तैयार हैं गोरखपुर बस अड्डा से। ये देखिए यहाँ पर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है भाई, एक बस मुड़ रहा था और हमारे ड्राइवर भी सडनली उसी में घुसा दिए।
मुड़ने के लिए। ये देखिए वहाँ पर ऑलरेडी वो खड़ी है मुड़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए कितना क्लोजनेस है। देखिए अभी ड्राइवर को रिवर्स लेना ही पड़ेगा वरना टच हो जाएगा वाली गाड़ी। ये देखिए वो आके जनरत बस है, तो वही आके एसी बस है। एक्चुअली मैं वो भी एसी बस है सॉरी, क्योंकि पिंक वो सब बस था ना, पिंक बस अब वो भी एसी रहता है। तो जो मैं वाराणसी गया था ना, तो जनरत बस यूज़ करके ही मैं वाराणसी गया था। वो जो सामने दिख रही है ना वो वाली, अगर वो वाला ब्लॉग आप देखे नहीं है तो कृपया करके जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूपी का प्लेलिस्ट बना के डाला है जब मैं अप्रैल में आया था यूपी जर्नी पे। ये फिलहाल भाई गर्मी बहुत है, मेरे को लगा गर्मी उतना लगेगा नहीं, देखते हैं भाई अभी अयोध्या तक कैसा रहता है नॉन एसी में। वो भी अगर एसी में रहता तो सही रहता भाई। ये देखिए एक्चुअली लोकल के लिए यहाँ से आपको बस मिल जाएगा, लोकल क्या भाई सब जगह के लिए बस मिल जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद कन्फ्यूज आ जाता हूँ इधर आके कि कौन सा बस कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए बोल देता हूँ मैं, बलिया के लिए मिल जाएगा, फिर लखनऊ के लिए मिल जाएगा, फिर आपको कानपुर के लिए मिल जाएगा। इस बस अड्डा से आपको जिस जो लखनऊ की तरफ रहता है ना, जो हाईवे है उस तरफ के लिए मिल जाएगा, और पडरौना के लिए भी आपको बस मिल जाएगा। आपने ट्रेन में लाइक क्या बोलते हैं कलेक्शंस देखा हुआ जो आते हैं ना कलेक्शन के लिए 10 रुपया चेंज, ट्रांसजेंडर जो रहते हैं भाई बस में आके मांग रहे हैं भाई। पहली बार मैं हैरान हो गया कि बस में आके ट्रांसजेंडर। आई गेस आपको एक झलक मिला होगा, तभी मैं तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। बट ये क्या है भाई, लाइक ट्रेन तो ट्रेन, अभी बस में भी लाइक मेन बस अड्डा के पास ही आके ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं। राप्ती नगर बस अड्डा के पास तो नहीं किए, यहाँ पर किए जो रेलवे स्टेशन के बगल में है, जहाँ से आपको रोडवेज मिल जाता है। रोडवेज मतलब नॉन एसी बसेस, वो ही मैक्सिमम। एक अयोध्या दे दीजिए। तो ये हम लोग ऑफिशियली गोरखपुर बस अड्डा से निकल चुके हैं और फिलहाल हम लोग निकल गए हैं अयोध्या के लिए। यहाँ पर फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, एक रोड को बड़ा कर रहे हैं, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन सब कब तक ख़त्म होता है भाई। ये आ गए हम लोग नौका विहार मेन एंट्रेंस के पास, तो ये अंदर नौका विहार आप जा सकते हैं। अभी तक मैं तो गया नहीं हूँ नौका विहार के अंदर, देखते हैं कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे। और ये हम फिलहाल बढ़ रहे हैं नौसर की ओर। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये पहले 2 लेन था, फिर इसको अभी 4 लेन किए, कंस्ट्रक्शन फिलहाल चालू ही है। अभी सामने आपको दिखाता हूँ, मैं जब गोरखपुर टू वाराणसी जर्नी किया था ना तभी भी कंस्ट्रक्शन चालू ही था। इट वॉज ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं 1.5 महीना पहले। अभी देखते हैं कुछ काम हुआ है कि नहीं। ये जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन चालू जो आप देख रहे हैं ना, तो प्रोग्रेस है भाई पिछली बार से बहुत ज़्यादा, लाइक 1.5 महीने के हिसाब से प्रोग्रेस बढ़िया ही किए यहाँ पर। ये हम फिलहाल अभी राप्ती नदी को पार कर रहे हैं। राप्ती नदी तो एकदम सूख गया है भाई, अभी मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए पानी नहीं है राप्ती नदी में, थोड़ा भी नहीं है, देखिए बहुत कम पानी है राप्ती नदी में। जो नदी हमेशा भरा रहता था, एक्चुअली उस पर गर्मी बहुत है इधर यूपी में, तो कुछ सब नदी सूख गया ज़्यादातर। जो अपनी गंगा है, गंगा नदी भी सूख गई है, आप जानते हैं गंगा कितना विशाल नदी है, जब वो सूख गया है तो और सब नदियाँ सूखना जायज़ ही है भाई। अभी फिलहाल हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर को क्रॉस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट नवसड़ अप्रोच कर रहे हैं। ये हम फिलहाल पहुंच गए नवसड़। ये जो लेफ्ट जा रहा है ना, ये आपका कौड़ीराम आजमगढ़ और वाराणसी के लिए रूट निकल जाएगा, और हम स्ट्रेट निकल रहे हैं और बढ़ रहे हैं लखनऊ की ओर। ये नवसड़ के पास आप महिंद्रा शोरूम देख रहे हैं ना, इधर सर्विस सेंटर है, और वो आके वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस सेंटर है महिंद्रा का, महाघटिया सर्विस सेंटर है भाई। मैं आया था ऑलरेडी इधर अपना कार लेके जो बैंगलोर से लेके आया था, लेकिन भाई वन ऑफ द वर्स्ट से भी वर्स्टेस्ट सर्विस सेंटर है वो महिंद्रा का, जो नवसड़ के पास है। भाई मैंने बोला ना कि महिंद्रा वाला वो शोरूम वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस सेंटर है, उसका रीज़न है मैं कार लेके आया था, जो एडवाइसर मेरे को रिसीव करने आया था वो दारू पे के आया था, और फिलहाल मैं वाइड एंगल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझ जाइए अभी फ़िलहाल नॉर्मल एंगल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एडवाइसर दारू पी के आया था, फिर उसके बाद अटेंड ही नहीं कर रहा था, फिर जॉब कार्ड खुद लाना चाहिए, जॉब कार्ड मेरे को भेज के ऑफिस से मेरे से जॉब कार्ड मंगवा रहा है वो एडवाइज़र, और फुल एडवाइज़र छोड़िए जितने लोग भी उधर थे ना सब दारू पी के सुबह सुबह दारू पी के टुल थे भाई, तो इसलिए मैं इधर लाना बंद ही कर दिया। जब भी कार यूपी लाइक बैंगलोर से यूपी लाता हूँ
ये सर्विस सेंटर तो लाना बंद ही कर दिया मैंने। ये देखिए कि एक एक्सप्रेस वे टाइप है जो आके पटरौना से निकलता है कुशीनगर से और आके यहाँ पर मिल जाता है। कहाँ जाता है मेरे को आइडिया नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेस वे की हाईवे था वो कहाँ जाता है। लाइक नौसर से बाहर आने के बाद वो आता है, आपको मैंने दिखाया ना, लाइक जो साइन बोर्ड रहता है उससे तो आप लोग पहचान ही जाएंगे जब जो यहाँ से होंगे लोकल से। तो कृपया करके वो ज़रूर मेरे को बता दीजिए। आई गेस वो लखनऊ ही जाता है बट नॉट श्योर। आई गेस वो पूर्वांचल एक्सप्रेस है क्या? नहीं नहीं, पूर्वांचल तो यहाँ पर नहीं आता है, वो तो आजमगढ़ की तरफ निकल जाता है, वो पूर्वांचल ही नहीं था। ये हम लोग फिलहाल अभी सहजनवा चौराहा आगे पार कर रहे हैं और निकल रहे हैं बस्ती की ओर। आई गेस बस्ती बस स्टॉप अंदर नहीं जाएगा, ये बस्ती को बाईपास करके निकलेगा क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस वे है भाई ये बस। ये हम फिलहाल खलीलाबाद को बाईपास करके निकल रहे हैं। यहाँ से बस्ती 35 किलोमीटर है और उसके बाद अयोध्या लगभग 96 किलोमीटर। ये आ गया हमारा पहला टोल गेट, तो आई एम नॉट श्योर कितना टोल गेट पड़ता है, देखते हैं अपन, लेकिन ये आके अपना पहला टोल गेट है। फिर आई गेस बस का 105 रुपीज़ कुछ है वन साइड से, कार्स का आई गेस वन साइड 45 रुपीज़ है। नहीं भाई 50 कर दिए हैं, 45 आके पीछे लिखा था। और ये अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं बस्ती को, लाइक बस्ती को बाईपास करके निकल रहे हैं हाईवे से। ये सामने ब्रिज से लेफ्ट जाएंगे तो बस्ती सिटी के अंदर चले जाएंगे क्योंकि ये आके, जैसे मैंने बोला, राजधानी एक्सप्रेस है लाइक बस में, तो ये आके सब बाईपास लेके ही निकल जाता है। और जो नॉर्मल रोडवेज रहता है ना, रोडवेज जो भी प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पर, तो वो आके बस्ती सिटी के अंदर से ही आता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ये हमारी बस अयोध्या धाम से मात्र 10 किलोमीटर पहले रुक गया है चाय पानी के लिए। तो एक्चुअली ये बस जा रहा है लखनऊ ना, तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स को एक वॉशरूम यूज़ करना रहेगा, फिर उसके बाद चाय पानी तो पीना रहेगा, तो इसलिए अयोध्या से पहले रोक दिए हैं लोग। इधर कोई ढाबा है श्रीराम ढाबा एंड रेस्टोरेंट करके, तो वहाँ पर रुके हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये है अपना ढाबा छोटू सा। आई गेस इधर ही सब रोडवेज वाले रोकते होंगे तो इसलिए ये भी इधर ही रुका है। अगर उस तरफ से अपन लखनऊ की तरफ से आएंगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अयोध्या को पार करके सामने एक ढाबा है वहाँ पर रुकते हैं। तो इधर कुछ उल्टा है, अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं तो अयोध्या से पहले ही रोक देंगे। तो आई गेस मेरे ख्याल से अयोध्या के बाद रोकना चाहिए क्योंकि अयोध्या के पैसेंजर उतर जाते और फिर उसके बाद तो डायरेक्ट लखनऊ ही निकलना रहता, लेकिन अयोध्या से पहले रुके हैं। तो अयोध्या जो अयोध्या जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट रहेगा ये। तो ये आई गेस यूपी वाला गवर्नमेंट को लाइक थोड़ा क्रॉस वेरीफाई, लाइक क्रॉस चेक करना ही चाहिए। आई गेस ज़्यादा देर के लिए रोकेगा नहीं, और शायद रोक भी सकता है लोग, हाँ नाश्ता खाना पीने जा रहे हैं तो रोकेगा ही भाई, अच्छा खासा रोकेगा। ये देखिए यही अपना बस रोडवेज राजधानी एक्सप्रेस सेवा लखनऊ, इसलिए भाई सब बाईपास निकाल रहा है ये बस, और अच्छे खासे रफ्तार से आ रहा है। आपको कितना टिकट प्राइस लगेगा, फिर डिस्टेंस कितना है और कितना टाइम ले रहा है, वो सब मैं आपको अयोध्या पहुंच के इत्मीनान से बताऊंगा। ये हम फिलहाल आ गए हैं सरयू नदी के ब्रिज पे, अभी सरयू नदी भी सूखा हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ। अभी ये स्ट्रेट आपको रोड दिखा रहा था, अभी इस तरफ सरयू नदी है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए सरयू नदी भी ऑलमोस्ट सूखा ही है, बहुत पानी कम है, सब नदी यूपी में सूख गया है क्योंकि भाई एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर था तो 42-43 डिग्री टच कर चुका था। अपने बैंगलोर में तो फिलहाल बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश की नामो निशान नहीं है। ये देखिए और क्लियर भी। चलिए ऑलमोस्ट अपना सफ़र ख़त्म होने वाला है, फिलहाल बस स्टॉप आने वाला है, तो चलते हैं। ये देखिए यूपी टूरिज़्म वेलकम्स यू टू अयोध्या, लेट्स एंटर टू अयोध्या बड़ी। ये फिलहाल मैं आ गया अयोध्या धाम, आपको बहुत साउंड आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वही एंट्रेंस है अयोध्या धाम मंदिर के लिए। तो जो बस जाता है ना वो मंदिर के पास ड्रॉप नहीं करता है, वो आके अयोध्या धाम मेन एंट्रेंस ब्रिज है
जो बाईपास है वहाँ पर ड्रॉप कर देगा, वहाँ से आपको लाइक जो ई रिक्शा रहता है वो सब करके जाना है, वो करके जा सकते हैं आप। हमारी बस फ़िलहाल उधर खड़ी है, अभी निकल जाएगी थोड़े देर में। तो बात करें टाइम डिस्टेंस फिर टिकट फेयर की, तो डिस्टेंस था अप्रॉक्सीमेटली 115 किलोमीटर्स, टाइम ऑलमोस्ट अपने को 8, 9, 10, 11 अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लग गया, प्लस और माइनस 10-15 मिनट्स आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि रिफ्रेशमेंट ब्रेक उधर दिए थे लाइक ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसमें 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आप माइनस कर सकते हैं। फिर प्राइस की बात करूँ अयोध्या से यहाँ तक, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस था बसेस में, तो आपको मेरे को लगा फिलहाल 212 रुपया। अगर आप रोडवेज वाली नॉर्मल बसेस में आ रहे हैं जो हर सिटी लाइक बस्ती बस स्टॉप वो सब बस स्टॉप विजिट करके आता है, तो वहाँ पर आपको उसमें कम लगेगा, और फिर एसी में तो आपको एक्स्ट्रा और थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। आई एम नॉट श्योर कितना लगेगा, अरे सर 280 की 312 ऐसे ही कुछ लगता है, नॉट श्योर, ये कन्फर्म नहीं कर सकते। लेकिन इस राजधानी बस में जो बाईपास करके आता है बस्ती खलीलाबाद सब कुछ को, तो उसमें आपको लाइक मेरे को या आपको 212 रुपये लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ अयोध्या के अंदर, देखता हूँ क्या माहौल है। ये इस ब्लॉग को इधर ही तक रखते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट में बता दीजिएगा क्या नहीं पसंद आया, और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ क्या, अलविदा।